किया था। अलग अलग प्रकार के वादे, लोक लुभावन वादे भी है, और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर, ओबीसी बहुल क्षेत्र के अंदर एक बार चुनाव जीत गए, परंतु इसके बाद लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा के चुनाव लगभग 9 महीना बाद ही आए थे। कितना समय गया होगा रमन सिंह जी? 8-9 महीना गए होंगे, 6 महीना। कभी 6 महीने में जनादेश बदलते हुए देखा है आपने? 6 महीने में जनादेश नहीं बदलते हैं मित्रों, परंतु 6 महीने में ही कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता पहचान गई और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ लामबंद हो गया। हमारी सीटों में बढ़ोतरी हुई और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार यह सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और हमारा दायित्व तो क्या है? आज जनता ने हमें लोकतंत्र के अंदर एक जिम्मेदार और सकारात्मक विपक्ष का दायित्व तो दिया है। जनता ने हमें विपक्ष के नाते काम करने का दायित्व तो दिया है। हमारा दायित्व तो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के पिछड़े समाज की, छत्तीसगढ़ की बहनों की, छत्तीसगढ़ के युवाओं के अधिकार की रक्षा के लिए हम संघर्ष करें। जो खोखले वादे किए थे और जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसको लोगों के सामने जाकर उजागर करने का काम करें, और केंद्र सरकार की हमारी नीतियां, केंद्र सरकार के हमारे कार्यक्रम, केंद्र सरकार की हमारी योजना और रमन सिंह सरकार ने 15 साल जो काम किया इसकी उपलब्धियां लेकर आलस करे बगैर जनता के बीच में जाए, ये करते हैं तभी हम छत्तीसगढ़ यूनिट को आगे बढ़ा सकते। और मैं आपको कहने आया हूं, जय पराजय तो 90 के बाद हमारे सुनने में आया। पहले कभी 67 में जय हुआ था, 90 के बाद हमारे सुनने में आए। पहले तो हमारे भाग्य में पराजय ही पराजय होता था। उस वक्त कैसे काम करा होगा हमारे कार्यकर्ताओं ने? कहां से ऊर्जा प्राप्त करी होगी, कहां से प्रेरणा प्राप्त करी होगी, उनके कारण करने काम करने का कारण क्या होगा, उनकी गति की ऊर्जा का कारण क्या होगा? उनकी गति की ऊर्जा का कारण, उनके काम करने का कारण और प्रेरणा जहां से प्राप्त हुई, ये केवल और केवल हमारी विचारधारा थी, भारत माता का कल्याण था। और इसी के आधार पर हम 2 सीट से आज फिर से दो बार एक के बाद एक 2 चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ देश में सरकार बनाए हुए। मित्रों, आज मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया कि चुनाव चुनाव का जय पराजय भारतीय जनता पार्टी का भाग्य तय नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का भाग्य हमारे कार्यकर्ताओं की निष्ठा, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और हमारे कार्यकर्ताओं का पराक्रम तय कर सकता है, कभी जय पराजय तय नहीं कर सकता। और आज इस सभागार में बैठे हुए लोग और कार्यालय में और जगह पे बैठकर मुझे जो सुन रहे हैं वो लोग, सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करने आया हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव का पराजय हमें हतोत्साह नहीं कर सकता। और पराजय भी इतना बड़ा नहीं है, 5 महीने का पराजय। 5 महीने में हम फिर से बैठकर खड़े हुए, जनता ने अपना जनादेश सुनाया है और ये सरकार जो वादे किए थे वो वादों को पूर्णतया लागू करने में विफल रही हुई पिछड़ी सरकार है। और जनता आज भी हमारी सरकार को याद कर रही है कि हमारी सरकार थी तब किस प्रकार से इनकी कठिनाइयों के साथ भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, भाजपा का मंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री चट्टान की तरह खड़ा रहता था। चाहे ओले गिर जाए, चाहे ज्यादा बारिश आ जाए, चाहे सूखा आ जाए, चाहे गांवों के अंदर विकास पहुंचाना हो, युवाओं के लिए रोजगारी के कार्यक्रम करने हो, दूर क्षेत्र में नक्सलवाद पर लगाम कसनी हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बहुत अच्छे परिणाम लाए। और मित्रों, इसी के आधार पर हमने आगे बढ़ना है।
अभी अभी 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पूरा देश विपक्ष के एकदम झूठे और झंझावाती प्रचार के सामने एकमुश्त होकर नरेंद्र मोदी जी को 303 रिकॉर्ड सीटों के साथ फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाया। इसका कारण 5 साल तक अपनी जो सरकार चली, वो 5 साल की सरकार में हमने देश को बदलने का प्रयास किया, देश के अंदर बदलाव लाए, देश की समस्याओं को समझा, देश की समस्याओं को सुलझाया। देश के 60 करोड़ गरीब जो 70 साल की आजादी के बाद ऐसा मानते थे कि कोई सरकार हमारी सूद नहीं लेती, कोई सरकार हमारी चिंता नहीं करती, मित्रों ये गरीबों के घर के अंदर पहली बार आजादी के बाद फायदा पहुंचाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी की। 60 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट नहीं था, माताओं के पास गैस का चूल्हा नहीं था, माताओं और बच्चियों के लिए शौचालय नहीं था, गरीब के पास घर नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, ये सारी चीजें उसको खलती थी, खटकती थी कि जो शहर में तो रहते हैं, जो धनी है, जो संपन्न है, उनके पास तो ये सारी चीजें हैं, मेरे बच्चे को रात को पढ़ाई लिखाई करनी है, मेरे घर में बिजली नहीं है, मेरी माँ मेरी पत्नी को आज भी धुआं खाकर रसोई करनी पड़ती है, खाना पकाना पड़ता है, मेरी बच्ची को, मेरे घर की महिलाओं को शर्मसार होकर खुले में शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता है। अगर घर में बीमारी आ जाए तो असहायता के साथ ईश्वर के प्रार्थना के अलावे हम कुछ नहीं कर पाते। ये सारी असहायताओं को नरेंद्र मोदी सरकार ने एक 5 साल के कालखंड के अंदर समाप्त कर दिया। 13 करोड़ लोगों के घर में गैस के सिलेंडर पहुंचाए, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, लगभग 5 करोड़ लोगों को घर दिया, हर घर में LED बल्ब पहुंचाया, हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाया और 60 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसके साथ ही ये 60 करोड़ लोग देश की विकास यात्रा के साथ जुड़े, 60 करोड़ लोग उसके बच्चे जो पहले कभी स्वप्न नहीं देख पाते थे, जो उनको देखने चाहिए थे, क्योंकि पेट में जब खाना हो तभी स्वप्न आते हैं, पेट में जब भूख हो तो भूख के अलावे कोई चीज सोचने में नहीं आती है, नरेंद्र मोदी जी ने उनके पेट का गड्ढा भरकर उसके घर में सारी बेसिक सुविधाएं पहुंचाकर उसको स्वप्न देखने का अधिकार दिया कि हाँ मैं भी इंजीनियर बन सकता हूँ, हाँ मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं भी IAS और IPS अफसर बन सकता हूँ। इस 60 करोड़ लोगों के अंदर पड़ा हुआ टैलेंट, इस 60 करोड़ लोगों के अंदर पड़ा हुआ बुद्धिधन जो देश के लिए काम नहीं आता था, उसको देश के विकास के साथ जोड़ने का एक बहुत महान काम नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री ने किया और 60 करोड़ लोग देश की विकास धारा के विकास यात्रा के अंदर इसके सहभागी बन गए, सहयात्री बन गए। और मित्रों वहीं से देश के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत, देश की सुरक्षा जब जब कांग्रेस की सरकारें रही, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा को उन्होंने तार तार करा, देश के दुश्मन देश के अंदर आकर देश तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं, उस पर कोई कदम उठाना है उनको अपनी वोट बैंक की चिंता हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई, बड़ा परिवर्तन आ गया। इस देश की कभी रक्षा नीति ही नहीं थी, विदेश नीति के आधार पर शांति के नाम पर ही हमारी रक्षा नीति चलती थी, पाकिस्तान से आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, जवानों का सर काट कर ले जाते थे, उनको कहने वाला कोई नहीं था।
नरेंद्र मोदी सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला हुआ मित्रों, और उसके साथ ही 10 ही दिन के अंदर द्रुत गति से फैसले लिए गए। हमारे सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके आतंकवादियों को खत्म कर वापिस आए, और देश को पहली बार एहसास हुआ हमारा देश भी हमारे जवानों के मृत्यु का बदला ले सकता है। पहले पूरी दुनिया में दो ही देश ऐसे थे जो जब कोई भी इनके जवानों को छूता था वो घर में घुसकर मारते थे, अमेरिका और इजराइल। ये दो देशों की सूची में मोदी जी ने। और इसी तस्वीर आप देख रहे थे रायपुर से, जहां पर मंत्री केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे अमित शाह, और वो डायरेक्ट सीधे सीएए पर बोल रहे थे और कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के गांधी भवन में